नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, त्रैमासिक योजना। इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ पुरोहित कर्म कैसे सीखा जाए, जो लोग अभी तक पुरोहित कर्म से वंचित थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विशेष अभियान के रूप में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है, जहाँ पर लोगों को पुरोहित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे घरों में संस्कार कैसे हैं बच्चों को, वो सब सिखाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। अभी तक कितने प्रशिक्षण आप दे चुके हैं, कितनी जगह शुरू कर चुके हैं? अभी तक 75 के 75 जगह हमारे केंद्र शुरू हो चुके हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें जनवरी में, कुछ फरवरी में और अब मार्च के 1-2 तारीख तक सभी केंद्र शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो वहाँ पर चल रहा है तो पूरा हो गया प्रशिक्षण के नहीं, जो वहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है ये अभी और चलेगा, और अच्छा चलता रहा तो फिर अगली योजना में फिर इस विद्यालय का चयन किया गया। बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? जो विद्यार्थी इसे सीखेंगे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये ऐसे मानिए जैसे आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा ले लेते हैं तो उसमें बहुत ही उपयोगी होता है। आज तो आर्मी में धर्मगुरु रखे जाते हैं, वो भी उन्हें डिप्लोमा की ज़रूरत है। यदि इस डिप्लोमा को आप किसी अन्य संस्थान से करोगे, तिरुपति वगैरह से विदेश जाने के लिए पुरोहित कर्म करना चाहोगे, तो इस डिप्लोमा का मूल्य वहाँ पर 50,000 रुपये की फीस में ये डिप्लोमा दिया जाता है, जो कि हम बिल्कुल निःशुल्क रूप में दे रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, ये डिप्लोमा बाद करने के बाद कुछ जैसे नौकरी तो उसके लिए अवसर मिलेगा? अवसर मिलेंगे लोगों को, जो पुरोहित के क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें अवसर मिलेंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।